नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी एक और नया टॉपिक, व्हेन द प्लीट इज अनसिमेट्रिकल, यानी कि जेट आपका स्ट्राइक कर रहा है टेंजेंशियली एक एंड से, बट आपकी प्लेट इस टाइम पे कर्व प्लेट है मगर वो सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट एक्स एक्सिस से। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोज आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डॉक्टर आर के बंसल की बुक को परचेज कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से तो बेस्ट बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स के सिंपल लूसिड लैंग्वेज में, भले वो केमिकल इंजीनियर या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर यूज करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज द जेट स्ट्राइक्स द कर्व प्लेट टेंजेंशियली, यानी कि टेंजेंशियली वो एक्ट कर रहा है, मतलब स्ट्राइक कर रहा है एक एंड पे जब प्लेट आपकी अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अब अनसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम अपना ये कर्व प्लेट बना लेते हैं, ठीक है, मगर ये आपका सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा कहने का मतलब था, देखिए अगर मैं प्रॉपरली इसको बनाऊं तो आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा, देखिए सिमेट्रिकल तो नहीं लग रहा है, ये कुछ ज्यादा नीचे झुका हुआ है और ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो ये है हमारी, अब मैं एक काम करता हूं इसकी सेंट्रल लाइन भी बना देता हूं। ओके ओके, क्लियर हो गया ये। ओके, अब क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली व्यू मिल जाए कि मैं क्या कहना चाहता था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इतना ही है कि अनसिमेट्रिकल जो प्लेट्स होती हैं कर्व प्लेट, कि अगर इसे सेंट्रली मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं तो नीचे वाला हिस्सा कुछ और दिखेगा, ऊपर वाला हिस्सा कुछ और दिखेगा। ओके, और दूसरी चीज, ओके, अब हमें जो आपका जेट स्ट्राइक करवाना है, ठीक है, वो आपके टेंजेंशियली स्ट्राइक करवाना है, तो मुझे क्या करना है, एक काम करता हूं जहां पर स्ट्राइक करवाना है इनलेट पे, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कराता हूं मैं इसको, ठीक है, इस प्लेट को। ओके, मान लेते हैं कि वो एंगल थीटा बना रहा है ये टेंजेंट। ओके, तो अब वैसे ही देखेंगे तो मैं इस टेंजेंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ओके, एंड दिस इज आवर, ये जो है हमारा, दिस इज नोजल, और ये है नोजल आपके पाइपलाइन की, ओके, जिसके थ्रू आपका जेट ट्रेवल करने वाला है, और डेफिनेटली यहां पर जो फ्लूइड होगा वो अंडर प्रेशर होगा, देन वो बाहर निकलेगा, उसका एरिया रिड्यूस कर दिया गया ताकि वेलोसिटी प्रेशर हेड जो आपका कन्वर्ट होके वेलोसिटी हेड में आए और आपका जेट ट्रेवल करे विद द सेम डायमीटर, सेम एरिया मेंटेन करते हुए, और यहां पर, ठीक है, तो अब ये जेट ट्रैवल करेगा। ओके, ठीक है, अब ये जेट जैसे जैसे ट्रैवल करता है तो ये अलोंग द प्लेट मूव होता है। ओके, तो एट सेक्शन टू ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, अभी से अनसिमेट्रिकली क्यों कहा गया है, ठीक है, अब जेट तो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, ओके, अब ये देखिए, जैसे हमने इनलेट पे टेंजेंट बनाया था, आउटलेट पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसको यहां तक फॉलो नहीं करवाता, ठीक है, करवाऊंगा इसके बाद, थोड़ा देखिए कि आउटलेट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, सपोज दिस इज आई एम ड्रॉइंग, ये टेंजेंट मैंने बनाया, ठीक है, अब देखिए यहां पर जो कुछ एंगल है वो डेफिनेटली कुछ और ही होने वाला है, तो दिस इज, मान लेते हैं वो फाई है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जिस पर्टिकुलर एंगल से आपका जेट टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा था, ठीक है, ओके, वो सेम एंगल आपके आउटलेट पे मेंटेन नहीं होता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब था कि अगर मैं इस पर, क्योंकि आपका जो जेट है वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली जो वेलोसिटी होगी, मैं एक दूसरे कलर से बताता हूं इसको, ग्रीन कलर से। ओके, तो ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, और ये आपको, ये उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका क्या बोलते हैं जेट ट्रैवल करता है, यानी कि फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर ये एंगल थीटा बनाता है और ये जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है ये भी आपके पैरेलल है इस टेंजेंट से, तो अगर मैं यहां पर एक एक्स एक्सिस बनाता हूं, यानी कि एक डॉटेड लाइन बनाता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, तो डेफिनेटली ये भी कुछ एंगल मेंटेन करेगा और वो एंगल सेम ही होगा जो ये थीटा है, समझ गए, दिस इज योर थीटा। ओके, तो कहने का मतलब है कि इनलेट पे, क्योंकि ये दिस इज द वेलोसिटी वी विद विथ, जिसकी वजह से आपका ये जो जेट है ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी, तो क्योंकि आपका वेलोसिटी वेक्टर टेढ़ा है, वो कुछ एंगल पे टेढ़ा है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा एंगल बना रहा है, जैसे ये वाला एंगल, दिस इज थीटा, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो थीटा, तो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी थीटा एंगल ही बनाएगा। अब आपको मालूम है वेलोसिटी वेक्टर टेढ़ा है, तो दैट मींस योर, आपका ये जो कंपोनेंट है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। फिलहाल मैं ये जो थीटा है यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्पेस का, तो एक काम करता हूं, जो थीटा एंगल है मैं यहां पे बता देता हूं, ठीक है, और इसको मैं ग्रीन कलर से बताऊंगा आपको, ये है ग्रीन कलर हमारा, ये आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर आपका, दिस इज योर दिस, और मेन अनसिमेट्रिकल का रीजन यही था हमारा कि जिस एंगल से आपका जेट स्ट्राइक करता है इनलेट पे,
आउटलेट पे सेम एंगल मेंटेन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन जिस हिसाब से ये नीचे की साइड कर्व है उस हिसाब से ऊपर की साइड कर्व नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि व्हेन द प्लेट इज अनसिमेट्रिकल तब क्या फोर्सेस होती है एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में, यही हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस विल बी योर वी कॉस थीटा, आपको मालूम है कि अगर एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बनता है तो दिस इज वी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है, तो देयरफॉर और ये सेक्शन वन पे है, तो यहां पर आप कहीं पर भी सेक्शन वन ले सकते हैं। मैं ये काम करता हूं, इसे भी मैं डॉटेड लाइन में बताता हूं, ये यहां पर कहीं पर भी, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी वी, अगर डाया इसका डिस्टर्ब नहीं होता, एरिया मेंटेन है, तो वेलोसिटी भी मेंटेन रहने वाली है। ओके, आउटलेट में अगर आप देखेंगे ये जो जेट है, ठीक है, तो ये आपका लगभग ऐसे डिपेंड करूंगा, इसको मैं ब्लैक कलर से बताऊंगा आपको, ठीक है, तो आउटलेट पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो सेम एंगल बनाएगा जो जिस हिसाब से आपकी ऊपर वाली जो प्लेट कुछ अनसिमेट्रिकल वे में कुछ पर्टिकुलर एंगल बना रही है, तो ये मैं बताऊंगा कि ये है वो वेलोसिटी वेक्टर। ओके, और अगर आप इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो जो ऊपर एंगल बन रहा है फाई, दिस इज डिफरेंट एंगल, सपोज ये थीटा 30 डिग्री है तो ये होगा 60 डिग्री, मान लीजिए ऐसा कुछ भी, तो ये जो एंगल बनाएगा दिस इज अगेन फाई, समझ रहे हैं, तो इसी वजह से ये प्लेट अनसिमेट्रिकल है, तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी वेक्टर भी आपका कुछ एंगल पे है, तो दैट मीन्स आपका ये दो कंपोनेंट बनाएगा। ओके, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये प्लेट स्मूथ है, अगर आप मान लेते हैं रफ नहीं है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो जो वेलोसिटी से जेट ट्रैवल कर रहा था इनिशियली वही सेक्शन टू पे, सेक्शन टू मैं यहां पे बनाता हूं, ओके, देयरफॉर दिस इज योर सेक्शन टू, दिस इज सेक्शन टू एंड दिस इज योर सेक्शन वन, तो सेम वेलोसिटी से वो बाहर भी निकलेगा वी, बट ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक जाएगा आपकी एक्स डायरेक्शन की तरफ, एक जाएगा वाई डायरेक्शन की तरफ, तो ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी योर वी टू वाई, और ये कितना होगा वी साइन थीटा, यानी कि क्या होगा ये वी साइन, ये ब्लैक कलर में लिखता हूं वी साइन थीटा, और ये वाला जो हो जाएगा ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, तो दिस इज वी टू एक्स, सो दिस विल बी वी कॉस थीटा बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है, ये नेगेटिव साइन मैंने थोड़ा ऊपर लगा दिया, काम करता हूं स्पेस नहीं थी फिलहाल, मैं अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज नेगेटिव वी साइन थीटा और दिस इज इक्वल टू वी टू एक्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दैट वॉज वेरी इजी। इनलेट का जो एंगल था स्ट्राइक का वही एंगल आउटलेट पे मेंटेन नहीं होता क्योंकि आपकी प्लेट सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, इतना ही कहने का मेरा मतलब है, तो फिर बहुत इजी है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, अब आपको मालूम है मेरे पूरे वीडियोस आप देख सकते हैं कि ये कैसे आया, तो मैं डायरेक्टली इस बार लिखूंगा, इसको लिखा जा सकता है सिंपली मास इनटू डीवी बाय डीटी, ओके, देन हम डीटी को मास के नीचे ले लेंगे, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी, सो फाइनली दिस इज मास फ्लो रेट, दिस इज मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, जैसा कि आप इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से लिख सकते हैं, ये यानी कि जो फोर्स दी गई है जेट द्वारा एक एंड पे, और ये जेट आपका टेंजेंशियल है, ठीक है, तो वो फोर्स बताई जा सकती है इस फॉर्मूले से, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से, चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे दिस इज नथिंग बट अ जनरल फॉर्मूला, और इसकी यूनिट क्या है मास फ्लो रेट की, केजी, दिस इज केजी पर सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या है चेंज इन वेलोसिटी, को चेंज आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड ही डेफिनेटली रहने वाली है, तो दिस कैन बी रिटन एज योर व्हाट, अगर हम दिस इज द जनरल फॉर्मूला, और अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं हमारी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में फोर्स जेड द्वारा इस मींस स्टेशनरी, हमने एक चीज और कंसिडर करनी थी कि ये जो प्लेट है आपकी स्टेशनरी है, ठीक है, दिस इज अ स्टेशनरी प्लेट, ओके, दिस वन इज फिक्स्ड, ओके, तो फोर्स एफ एक्स क्या होगी जो क्या बोलते हैं आपके जेट द्वारा दी गई है आपकी मीन्स अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट पे एट सेक्शन वन, ठीक, सो दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं दिस इज मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट मेरे पिछले कुछ वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने मास फ्लो रेट कैसे डिफाइन किया था, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं इस बार, क्योंकि आपका जो ये जो जेट है ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी एवरीवेयर, भले वो सेक्शन वन पे है या फिर सेक्शन टू पे है, ठीक है, दूसरी चीज वो ट्रेवल कर रहा है विद पर्टिकुलर डाया विद क्रॉस सेक्शन एरिया, वो वाला एरिया जो यूटिलाइज किया जा रहा है आपके मींस अ फ्लूइड द्वारा, दैट इज इसका जो एरिया है दैट इज स्मॉल ए, तो मैं यहां लिखता हूं रो ए वी, ओके, नेक्स्ट इज योर, अब
The velocity, change in velocity, this is the change in velocity at inlet, यानी कि section 1 पे x direction पे, so this will be v1x, और यहाँ पर होगी आपकी change in velocity section 2 पे x direction पे, तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ, therefore this is fx can be written as rho a v, this is v1x, v1x is your v cos theta, okay, minus section 2 पे जो x direction में जो velocity होगी, जब वेलोसिटी कंपोनेंट यानी कि अपने को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है ये v सेक्शन 2 पे तो दिस विल बी योर नेगेटिव v sin phi या एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर phi है तो ये भी सारे phi ही होंगे दिस इज phi तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको दिस इज एक ठीक है तो दिस इज नेगेटिव v sin phi आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो देयरफॉर fx इक्वल टू rho a v ओके इससे पहले एक काम करता हूं मैं v यहां पे लिख देता हूं ये सारा मिटा देता हूं ओके rho a v दिस इज v cos थीटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव v sin phi ओके सो दिस कैन बी रिटन एज द फोर्स इन x डायरेक्शन बाय द जेट ऑन अ अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट ओके दिस कैन बी रिटन एज rho a v v आप कॉमन निकाल सकते हो तो ये जो आपने v और यहां पर भी v है कॉमन निकालने के बाद बाहर भी v है तो v स्क्वायर हो जाएगा सो देयरफॉर दिस विल बी cos थीटा प्लस योर sin phi आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेट मी चेक या एवरीथिंग इज फाइन एक मिनट ओके दैट वॉज सम मिस्टेक वॉज देयर ओके यू करेक्टेड ओके एक्चुअली ये वाला v sin phi है तो देयरफॉर दिस इज इन दिस डायरेक्शन तो दिस विल बी cos phi दैट वाज आई एम टेलिंग यू ओके तो ये जो है ये जरा सा करेक्ट कर लीजिए दिस इज cos phi ओके सो देयरफॉर दिस इज योर cos phi ओके दिस इज योर cos phi ओके सो दिस इज योर दिस तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज द fx कैन बी रिटन एज rho a v स्क्वायर दिस इज cos theta प्लस योर cos phi आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा राइट नाउ वील फाइंड आउट द फोर्स इन y डायरेक्शन बाय द जेट ऑन एन अनसिमेट्रिकल फिक्स्ड कर्व प्लेट और जब आपका जेट टेंजेंशियली एक्ट कर रहा हो ठीक है तो सेम चीज करेंगे यहां पर अगर हमें y डायरेक्शन में फोर्स चाहिए तो दिस विल बी योर y दिस वन इज इन x डायरेक्शन है तो ये भी y हो जाएगा और दिस वन विल ऑल्सो बी इन y ओके okay. अब आप देखिए यहां पर भी मैंने v को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया था मगर यहां पे लिखा नहीं ठीक है तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज ये जो ऊपर जाने वाला कंपोनेंट होगा दिस विल बी योर v sin phi से c यानी कि जो थीटा नीचे की साइड में थीटा है देयरफॉर दिस इज थीटा और ये जो हो जाएगा a को मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया था तो दिस इज योर v1y आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक बार चेक कर लेते हैं दिस इज cos phi दिस इज sin phi ओके ठीक है everything is okay okay then your this is in y direction your force will be rho a v okay now this is v1y is your v sin theta kyunki niche ka angle theta hai jisse wo strike ho raha tha aapka fluid unsymmetrical plate ko curved plate ko okay then formula ka minus hai v2y is your v sin phi so therefore v sin phi okay राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज v कॉमन है निकाल लीजिए बाहर rho a v तो ये v ऑलरेडी है v कॉमन निकलेंगे बाद v स्क्वायर हो जाएगा देयरफॉर दिस इज योर sin theta माइनस sin phi अभी देखिए दोनों एंगल दिखने में सेम ही है sin sin एंगल है मगर यहां पे थीटा है sin phi तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी जीरो तो दिस इज योर फोर्स इन y डायरेक्शन लेट मी चेक एवरीथिंग इज करेक्ट आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं मेरे से एजुकेशनल वीडियोस तो प्लीज डू राइट अ कमेंट मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू